हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शुभी टिप्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेटिनॉल के बारे में। मैंने रेटिनॉल के कुछ प्रोडक्ट्स अपने स्किन केयर रूटीन में स्टार्ट किया है इंक्लूड करना। दीज प्रोडक्ट्स आर वाओ स्किन साइंस रेटिनॉल फेस सीरम एंड वाओ रेटिनॉल फेस क्रीम। सो गाइज, मैं अज्यूम कर रही हूँ जो ऑडियंस ये वीडियो देखने आई है वो रेटिनॉल पे अपनी रिसर्च करके आए हैं। स्टिल मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी रेटिनॉल के बारे में। रेटिनॉल विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। आपको रेटिनॉल लगा के कभी भी सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए, बिकॉज रेटिनॉल कहीं ना कहीं आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। आपको रेटिनॉल इसलिए हमेशा रात को यूज करना चाहिए। रेटिनॉल की ओवर क्वांटिटी नहीं यूज करनी है, रेटिनॉल हमेशा बहुत कम क्वांटिटी में आपको यूज करना चाहिए। एंड गाइज, रेटिनॉल आपके कोलाजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, माइल्डली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, एक नई स्किन प्रोवाइड करता है। सो गाइज, अब बात करते हैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट की, विच इज दिस वाओ रेटिनॉल फेस सीरम। दिस इज एन एंटी एग्नी, एंटी एजिंग एंड रिस्टोरिंग फेस सीरम। दिस प्रोडक्ट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड दिस डजंट कंटेन एनी पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन्स एंड मिनरल ऑयल्स। गाइज, अगर हम बात करें प्राइस की तो 599 रुपीज में आपको 30 ml क्वांटिटी मिलती है। 2 years इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है। सो गाइज, अगर हम बात करें पैकेजिंग की तो दिस कम्स इन दिस काइंड ऑफ पंप पैकेजिंग एंड आउटर पैकेजिंग ऐसी थी। मुझे इस तरह की पैकेजिंग पसंद है सीरम्स में, बिकॉज आपको वेस्टेज का डर नहीं रहता। आपको पता होता है दैट कितना प्रोडक्ट आपको लेना है, कितने पंप्स आपको लेना है एंड अप्लाई करना है। अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की तो दिस कंटेन्स विटामिन ए, दैट इज रेटिनॉल। दिस कंटेन्स विटामिन B3 एंड ई। दिस ऑल्सो हैज हेजल एक्सट्रैक्ट एंड एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट। तो इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं इस सीरम के। गाइज, अगर हम बात करें रेटिनॉल की तो आपको रेटिनॉल हमेशा mid-20 से स्टार्ट कर देना चाहिए यूज करना, बिकॉज ये आपके फाइन लाइन्स, रिंकल्स को प्रिवेंट करता है, रिपेयर एंड रिवाइव करता है आपकी एजिंग एंड एक्ने प्रोन स्किन को। सो गाइज, अगर बात करें यूसेज पार्ट की तो आपको अच्छे से अपने फेस को वॉश करना है, देन अपनी स्किन को टोन कर लीजिए, देन आप इसके 5 से 6 ड्रॉप्स लीजिए। इस तरह का इसका टेक्सचर है, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आता है। देन इसको अच्छे से अपनी स्किन में लगा के आपको डैब करा के एब्जॉर्ब कराना है। बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा गाइज, बहुत इजिली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड देन आप इसको एक अच्छे से मॉइस्चराइजर से कवर अप कर लीजिए। कभी भी अपने सीरम्स को लगाने के बाद गाइज अपनी स्किन को ऐसे मत छोड़ा कीजिए, हमेशा मॉइस्चराइजर अप्लाई किया कीजिए। एंड गाइज, दिस इज हाईली रिकमेंडेड दैट आप इस सीरम का यूज कभी भी डे टाइम में ना करें। दिस इज रिकमेंडेड टू यूज इट एट नाइट। तो कभी भी सीरम के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आना है रेटिनॉल के कोई भी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। सो आई ऑलवेज यूज दिस सीरम एट नाइट। सो गाइज, अब बात करते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट की, विच इज दिस वाओ रेटिनॉल फेस क्रीम। सो गाइज, मैं इसको अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर रही हूँ। अपने रेटिनॉल फेस सीरम के बाद मैं इसको यूज करती हूँ। एंड गाइज, दिस कंटेन्स विटामिन ए एंड हाइलुरोनिक एसिड। दिस प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर योर स्किन, बिकॉज दिस डजंट कंटेन एनी हार्मफुल केमिकल्स लाइक पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन्स एंड मिनरल ऑयल्स। दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। तो ये बिल्कुल सेफ है आपकी स्किन के लिए। गाइज, दिस हेल्प्स इन मॉइस्चराइजिंग एंड फॉर्मिंग योर स्किन। अगर हम बात करें प्राइस की तो आपको 50 ml क्वांटिटी 599 रुपीज में मिलती है। 2 years इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है। सो गाइज, अगर बात करें पैकेजिंग की तो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया दैट मुझे वाओ स्किन साइंस की जो क्रीम्स होती है उनकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ही इनोवेटिव सी पैकेजिंग है। इनर पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा हाइजीनिक होती है। सो गाइज, इस तरह का टब होता है। एंड ऑल्सो गाइज, वाओ स्किन साइंस के हर प्रोडक्ट पे आपको एक QR कोड मिलता है जिसको स्कैन करके आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में जान सकते हैं। एंड इनफैक्ट आप अपने नेक्स्ट परचेज पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी ग्रैब कर सकते हो। सो गाइज, ऑलवेज स्कैन दिस QR कोड। सो गाइज, जैसे कि मैंने बताया वाओ स्किन साइंस की क्रीम्स की पैकेजिंग बहुत ज्यादा हाइजीनिक है। सो इस तरह से आपको करना है एंड आपको प्रोडक्ट में रिसीव हो जाएगा। गाइज, हमेशा रेटिनॉल के प्रोडक्ट्स को ज्यादा क्वांटिटी में मत यूज कीजिए। एक बार आप उसको पंप अप कीजिए एंड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड दिस क्वांटिटी इज सफिशियंट। एंड गाइज, आपको इसको डॉटेड मोशन में लगा के अच्छे से अपने स्किन में अब्सॉर्ब कराना है। सो गाइज, दिस क्रीम इज नॉन ग्रीजी एंड बहुत अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। आपको बिल्कुल भी ग्रीजी फील नहीं होगा इसको लगाने के बाद। एंड गाइज, अगर हम बात करें रिजल्ट्स की तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इन रेटिनॉल के प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद। आई हाईली रिकमेंड दीज टू प्रोडक्ट्स टू यू, बिकॉज बहुत अच्छे से मेरी स्किन पे काम कर रहे हैं, स्पेशली फॉर एक्ने स्कार्स एंड ब्लेमिशेस। आई एब्सोल्युटली रिकमेंड दीज टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम वाओ स्किन साइंस। वाओ स्किन साइंस के सारे प्रोडक्ट्स प्रॉब्ली इंडिया में बने होते हैं। एंड गाइज, आप वाओ स्किन साइंस के किसी भी प्रोडक्ट की शॉपिंग
कमेंट उनके ऐप से कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली ऐप है, बहुत अच्छे से कैटेगरीज डिवाइडेड है, स्किन केयर सेक्शन, हेयर केयर सेक्शन एंड कॉम्बो सेक्शन, सो आप अच्छे से उनसे शॉप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। एंड इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट भी चलते रहते हैं उनके ऐप पे, सो यू कैन इजिली शॉप फ्रॉम देयर। एंड यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डू देन प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।